संसद के बाद अब कहा किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल गांधी। किसान आंदोलन को धार देने के लिए कहा हो रही है दो बड़ी महापंचायत, और आंदोलन को लंबा चलाने के लिए किसानों की क्या है तैयारी। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप नाइन खेती पर संग्राम। संसद के बाद कृषि कानून के विरोध में अब राहुल गांधी सड़क पर उतर गए हैं। राहुल गांधी आज से राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल गांधी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों जिले न सिर्फ किसान बाहुल्य इलाके हैं, बल्कि दोनों ही जिले पंजाब और हरियाणा सीमा से भी जुड़ते हैं। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच रस्साकसी जारी है। अपनी नई रणनीति के तहत आज किसानों ने राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज की मोर्चा बंदी के बाद आंदोलनकारी किसानों को आगे का प्लान भी तय है। किसान मोर्चा 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। 16 फरवरी को सर छोटू राम जयंती पर किसान एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, तो 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम चलाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ यूपी और हरियाणा में दो बड़ी महापंचायत हो रही है। पहली महापंचायत यूपी के संभल में हो रही है, वहीं दूसरी महापंचायत हरियाणा के बहादुरगढ़ में हो रही है। दोनों महापंचायतों को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह जाकर आंदोलन की रणनीति तेज करने में जुटे हैं। राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवर और यूपी के मथुरा में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और तीनों बिल वापस करे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन को लंबा चलाने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 100 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। 600 वॉलंटियर्स को पेट्रोलिंग में लगाया गया है। पक्के टॉयलेट और टेंट का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं 200 से 250 की संख्या में एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने पहली बार माना कि धरना 24 घंटे चालू रखने के लिए लंगर का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली हिंसा के बाद किसान मोर्चा उखड़ने लगा था, लिहाजा किसान मोर्चा ने भीड़ बनाए रखने के लिए लंगर पर मोटी रकम खर्च की। वहाँ का गेहूं इतना घटिया किस्म का है। किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा है। कमल पटेल ने कहा कि पंजाब का गेहूं इतना घटिया और पेस्टिसाइड मिला हुआ होता है कि अगर सरकार समर्थन मूल्य ना दे तो कोई पंजाब का गेहूं नहीं खरीदेगा। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने किसानों के समर्थन में कविता पढ़ी है। इस कविता के जरिए उन्होंने कई सवाल उठाए और कविता के जरिए पूछा कि क्या ये दंगाई दिखाई देते हैं।